प्रखंड विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह बिसेन तथा रारधीर सिंह की उपस्थिति में ठाकुर हुकुम सिंह इंटर कॉलेज के परिसर में एक मीटिंग की गई। खबर यूपी के बहराइच से सामने आ रही है। प्रखंड कमेटी न्याय खंड एवं उपखंड विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह बिसेन तथा रणधीर सिंह ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक करके तहसील क्षेत्र के लोगों को अलग अलग पद दिया गया, जिसमें करनैलगंज के अध्यक्ष पवन सिंह, उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, मंत्री हनुमंत लाल पाठक शाह, मंत्री धर्मेंद्र सिंह, गौरक्षा प्रमुख आशुतोष मिश्रा, बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष दीपक सिंह, हतिनसी बजरंग दल संयोजक प्रवीण सिंह, कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख प्रसाद वर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, देखे इसमें जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज के अंतर्गत जो है ठाकुर हुकुम सिंह परिसर में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। उन्होंने आज मीटिंग किया है, जानकारी लेना किस संबंध में मीटिंग किया। सर जी अपना नाम परिचय बताएं। विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज जो मीटिंग किया गया है किस उद्देश्य से किया गया? प्रखंड स्तर पे कैसरगंज में प्रखंड का संगठन नहीं था, जिसको विस्तार किया गया संगठन का, संगठन बनाने के लिए लोगों का दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसी उपलक्ष्य में ये बैठक हुई है। हमारे बीच में सर जी और मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेना है। सर अपना नाम परिचय बताएं। रणधीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष का दायित्व तो है। जो आज ये हुकुम सिंह में जो मीटिंग किया गया है किस उद्देश्य से किया गया है? विश्व हिंदू परिषद के सभी प्रखंडों में समितियाँ थी पहले से, कुछ दिनों से निष्क्रिय थी, आज उन्हें पुनः जागृत करने हेतु ये बैठक थी कि जो कार्यकर्ता नहीं सक्षम थे या किसी कारणवश नहीं कार्य कर पा रहे थे, आज पूरी समितियों का गठन किया गया है। कुछ दायित्व तो भी बचे हैं, उनको भी आगे पूरा करेंगे। तो प्रखंड की बैठक आज संपन्न हुई है, इसमें मेरे ख्याल से लगभग 10 लोगों को दायित्व प्रदान कर दिया गया है। अब ये आगे जो हमारे उपखंड और खंड हैं उनकी समितियों का गठन करेंगे। इसके बाद और कहीं आज करेंगे? हाँ, आज जरवल प्रखंड की भी बैठक है, बस यहाँ के बाद सीधे जरवल ही जाएंगे। आप विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष जी, देखिए विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष ने बताया है कि यहाँ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जरवल में किया जाएगा। KPN न्यूज़ से सुनील कुमार गुप्ता, कैसरगंज बहराइच।